ज़ॉम्बीज बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, वो हर जगह हैं। हमें छुपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी जल्द से जल्द। यहाँ और भी है बेस्टी, हम फंस गए। क्या कोई प्लान है? लिली देखो, वहाँ एक गड्ढा है, बचने का यही एक रास्ता है। वहाँ नीचे जाने में डर लग रहा है, पर ज़ॉम्बीज का सामना करना और भी डरावना है। वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे। हमें फैसला करना होगा लिली, ये हमारा आखिरी मौका है। चलो, लगता है ये बुरा नहीं है, ये तो एक असली बंकर है। जेन नीचे आओ जल्दी, यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं आ सकता। ये हमारा खुद का प्राइवेट बंकर बनेगा। और यहाँ बहुत सारी काम की चीजें हैं, डक्ट टेप और रस्सियाँ, ये जरूर काम आएंगी। जब आप ज़ॉम्बी से घिरे हो तो आप नहीं जानते कि कब क्या काम आ जाए। जहर, इसकी मदद से तुम मॉन्स्टर्स की भीड़ से भी बचकर निकल सकते हो। क्या तुमने देखा मुझे क्या मिला? हम इससे सबसे खतरनाक हथियार बनाएंगे। बचकर रहना ज़ॉम्बीज। लिली यहाँ पर दरवाजा है, चलो देखते हैं इसके पीछे क्या है। बस संभल कर रहना, तुम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकती। 3, 2, 1, खोलो। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, चलो आ जाओ। यहाँ तो एक और कमरा है और ये बहुत बड़ा है। अगर ज़ॉम्बीज अंदर आ जाए तो हम यहाँ छुप सकते हैं और हम कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैप्स भी बना सकते हैं। पर पहले हमें एक काम का प्लान बनाना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिली और जेन छुपे हुए ज़ॉम्बी ट्रैप्स बनाने में माहिर हैं। चलो काम पर लगे बेस्टी। तो हम कहाँ से शुरू करें? सामान और उपकरण सब यहीं पर है, बंकर तो सामान से भरा पड़ा है। लिली हमें ये मैश चाहिए, चलो इससे एक झूला बनाते हैं। अच्छा आइडिया है, छत पर हुक्स भी लगे हुए हैं। अब हमें बस ये जाल वहाँ लगाना है। मदद करो लिली, रस्सी लाओ, नॉट मजबूत होनी चाहिए। हमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। मैं अभी वापिस आती हूँ जेन, चाहे वो एपोकलिप्स ही क्यों ना हो, मजाक करने का समय मिल ही जाता है। तुम कहाँ हो बेस्टी? क्या तुमने मुझे खो दिया लिली? मैं यहाँ हूँ। ये फनी नहीं था जेन, हमारे पास बहुत काम है। देखो मुझे क्या मिला, ये बॉल कितनी भारी है, ये किसी भी ज़ॉम्बी को गिरा सकती है। हम इसे रस्सी से बांध देते हैं और इसमें प्लास्टिक से नॉट बांध देते हैं। कमाल का हथियार तैयार है। लिली क्यों ना हम बॉल छत से बांध दें? इससे अपना किला हम आसानी से बचा पाएंगे और हम एक और बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हथियार को टेस्ट करने का वक्त आ गया। अगर ज़ॉम्बीज ने अंदर जाने की कोशिश की तो वो बहुत पछताएंगे। ये माउस ट्रैप काम आएगा। हम एक अलार्म सिस्टम बनाते हैं ताकि जब ज़ॉम्बी आए तो पता चल जाए। ये आसान है, हम खिलौने वाली गन के प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इसे काटे, हॉट मेल्ट ग्लू की मदद से कैप्स को माउस ट्रैप पर लगा दे। माउस ट्रैप को खोलें और उस पर रस्सी लगा दें। ध्यान से करें ताकि ट्रैप जल्दी बंद ना हो जाए। हो गया, हम अलार्म को यहाँ लगा देते हैं। डक्ट टेप का अच्छे से इस्तेमाल करना लिली। हम रस्सी को यहाँ लगा देते हैं, ये सुरक्षित लग रहा है, ये काम करना चाहिए। छुप जाओ, ज़ॉम्बीज आ गए। उन्होंने अपने शिकार को खुशबू से ढूंढ लिया पर उन्हें अलार्म नहीं दिखा। कोई आया है लिली? घबराओ मत, ट्रैप उन्हें रोक लेगा। पर एक रस्सी भूखे ज़ॉम्बीज के लिए कुछ नहीं है, वो बंकर में आ गए हैं और जल्द ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। हम क्या करें? तुम ये नुकीले स्टैक्स के बिना नहीं कर सकते, ज्यादा समय नहीं है। हो गया, बड़े से कार्डबोर्ड में से काम का हिस्सा काट ले, उसे पिरामिड की तरह मोड़ ले, कोनों को आपस में चिपका दे। अब हमें टेप की मदद से इसे मजबूत बनाना होगा ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर दूर रखने के लिए। इस तरह लिली हम कमरे में छुप जाएंगे और दूसरी तरफ ये नुकीले स्टैक्स होंगे। अच्छा सोचा जेन, दरवाजा बंद करो। पर क्या कार्डबोर्ड के स्टैक्स मॉन्स्टर्स को बाहर रख पाएंगे? वो भूखे हैं और वो किसी चीज से नहीं डरते। अरे नहीं, बचाने वाले गिर गए। अब बॉल्स ही हमारी आँख की उम्मीद है। तैयार हो जाओ जेन, चलो उन्हें दिखाते हैं कि इस बंकर का मालिक कौन है। हे, यहाँ बिन बुलाए मत आओ। हाँ ये लो, डिफेंस कामयाब रहा, इससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे।
पर ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ। चलो आगे बढ़े, ज़ॉम्बीज ज्यादा देर आराम नहीं करेंगे। चलो अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालो जेन, जहर। इस ट्रैप के बारे में ज़ॉम्बीज ने सोचा भी नहीं होगा। लिक्विड को बाल्टी में डालें और इसे यहीं रख दो, ये काम करना चाहिए। चलो छुप जाएं, हमारे मेहमान आ गए। अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। तुम पकड़े गए, ट्रैप ने अच्छे से काम किया। मॉन्स्टर जहर के ट्रैप में फंस गए, अब हमें बस इन्हें टेप से बांधना है। जल्दी करो लिली, पर ऐसी हालत में भी ज़ॉम्बीज खून के प्यासे लग गए हैं। चलो इनसे दूर चले, दो ज़ॉम्बीज से तो निपट लिए, पर और भी आ सकते हैं। ओह माय गॉड, तुमने तो डरा ही दिया, और ऐसे मौके के लिए ये तलवार बिल्कुल सही है। अब बस ढाल बाकी है, हम एक बना लेंगे, एक किक बोर्ड और नुकीले स्क्रू से, कुछ भी जो ज़ॉम्बीज के खिलाफ काम आए। स्क्रूज को बोर्ड के सामने लगा दे, जितने ज्यादा उतने अच्छे, और शील्ड को आराम से पकड़ने के लिए इस पर एक स्ट्रैप चिपका दे। इसके लिए गर्म ग्लू गन का इस्तेमाल करें। ज़ॉम्बी की ढाल तैयार है और जेन खाना ढूंढ रही है। ज़ॉम्बी से लड़ना कितना थकान वाला काम है, पर हम इसे गर्म कैसे करें? एक आसान तरीका है, एक कैन को काट कर खोल लें, ध्यान से कटे हुए हिस्से को मोड़ दें, टिन के ऊपर के हिस्से पर एक छेद बनाएं, और फिर तुम्हें थोड़ी लकड़ी चाहिए, उसमें आग लगा दें और खाने को कैन के ऊपर रख दें। छोटा स्टोव तैयार है। जेन गर्ल स्काउट में ऐसे ही थोड़ी थी। इधर आओ लिली, ये तुम्हारे लिए, एंजॉय करो। अच्छा काम किया जेन, देखो मैंने एक ढाल बनाई है। वाओ, ये मजबूत लग रही है और नुकीली, पर जेन के पास बचाव के लिए कुछ नहीं है, पर ये ठीक करना आसान है। चलो एक फोम रबर का टुकड़ा लें और उसे पैर पर लपेट दें, आर्मर को चेन से लपेट दें। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, किसी ज़ॉम्बी के दांत इस प्रोटेक्शन को पार नहीं कर सकते। क्या तुमने वो सुना? क्या ज़ॉम्बी ने अपने शिकार को सूंघकर ढूंढ लिया और बंकर के अंदर आ गए? हमें अलग होना पड़ेगा, और जेन को मेन काम मिला, वो चारा बनेगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ बेस्टी, चलो देखते हैं ये झूला कितना अच्छा है। वो आ गए, भागो लिली। हे तुम, मुझे पकड़ के दिखाओ। और लिली के पास डिफेंस का सामान बनाने के लिए काफी समय है, यहाँ ज्यादा सामान नहीं है, तो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हमें एक कुर्सी चाहिए, इसके पीछे हम फिटनेस इलास्टिक बैंड लगाएंगे। रुको जेन, फायर करो, जो भी हाथ लगे उसे ज़ॉम्बी की तरफ फेंको, मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो। वक्त आने पर एक आम डक टेप भी जान बचा सकती है। ये जीत गए, तुमने अच्छा काम किया लिली, पर बस इतना ही नहीं, देखो यहाँ पैलेट्स पड़े हैं, ये काम आएंगे। हम बैरिकेड्स बनाएंगे जिससे ज़ॉम्बीज रुक जाएंगे। वाह, ये तो भारी है, और इसे ताकतवर बनाने के लिए हम कुर्सियों का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन आ रही है, क्या तुम तैयार हो जेन? बिल्कुल, वो हमारे पास नहीं आ सकते। हे भगवान, ज़ॉम्बी ने मेरा पैर पकड़ लिया, अच्छा हुआ कि उसमें फोम गार्ड लगा हुआ है। हे, अपने दांत मेरे दोस्त से दूर रखो। जेन, ये तो बहुत ज्यादा है, लिली और जेन फंस गए हैं और छिपने की कोई जगह नहीं बची है। क्या वो ज़ॉम्बी पार्टी का खाना बनने वाले है? अरे नहीं, क्या हो रहा है? लगता है ये बंकर सीधा घर से जुड़ा हुआ है। ज़ॉम्बी जल्द ही बैरिकेड तोड़कर आ जाएंगे, पर घर से बाहर जाना और खतरनाक है। मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं बेस्टी, हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको ये नया ज़ॉम्बी एपिसोड पसंद आया? क्या आप जानना चाहते हैं कि जेन और लिली घर से बाहर कैसे निकली? तो नीचे कमेंट्स करें और हमें बताएं कि क्या आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं, ताकि आप ट्रूम ट्रूम सिलेक्ट का अगला ज़ॉम्बी एपिसोड मिस ना करें।